भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर जाम लगाया और सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देने की कोशिश की कि केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी 3 बिल पास हुए हैं जिनका लगातार किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज द्वितीय चरण में किसान यूनियन व किसान संगठनों ने जिले में 3 जगह रोड जाम किए और सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि किसान विरोधी बिलों का विरोध लगातार किसान संगठन करते रहेंगे, किसी भी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए बिलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के कई राजमार्गों को किसान संगठनों के द्वारा जाम लगाकर केंद्र सरकार की नीतियों और किसान विरोधी सोच को बदलने और सरकार की आंखें खोलने के लिए आज किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते हुए मुख्य मार्गों को जाम किया। वहीं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किसान विरोधी 3 बिल पास किए जिसमें किसानों की मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करने के समान केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किया गया। वहीं किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान भारी संख्या में किसानों के भीड़ जमा हुई तो वहीं शासन प्रशासन के पसीने छूटने लगे। इस धरना प्रदर्शन के दौरान किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए राज्यसभा और लोकसभा में दबाव बनाकर ये 3 बिल पास कराने का आरोप लगाया है। चंदौसी मुरादाबाद हाईवे पर किसान संगठनों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पर किसान यूनियन की प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने खुले मंच से सरकार को किसान विरोधी निर्णय लेने पर सरकार का विरोध करते हुए किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की। साथ ही किसान की फसल का समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम को बरकरार रखने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रोक लगाने की इस आंदोलन के माध्यम से मांग की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इससे बड़े लेवल पर किसान संगठन और किसान यूनियन के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते रहेंगे। ऐसा है, सरकार ने कोरोना आपदा के दौरान 5 जून में 3 कृषि अध्यादेश किसान विरोधी अध्यादेश ले आई, अब बहुमत के बल पर जोर जबरदस्ती से राज्यसभा और लोकसभा से ही पास करा लिया। उन 3 अध्यादेशों का मतलब है कि किसान की मौत पे इन्होंने मौत के वारंट पे साइन किए। पहली बात यह, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम यह है कि 60% लोग अपनी जमीन दे देंगे कंपनियों को तो 40% की सरकार जबरदस्ती दिलवाएगी और उन किसानों को मजबूर करेगी। और एक नियम और बना दिया कि अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने जमीन दी और कोई हमारा विवाद हुआ तो हमें हाईकोर्ट जाने का अधिकार नहीं, हम DM SDM की अनुमति से जाएंगे। तो भाई हमें DM साहब को हाईकोर्ट जान देंगे, वो तो जमीन नहीं दिलवा रहे हैं, तो उससे हमारी बहुत लड़ा रह जाइए। क्यों? कि हमारी खेती पे ये जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है। एक आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन कराया इन्होंने। भाई आप बताओ, किसान केवल अपने लिए नहीं कमाता, किसान जो है देश के मजदूर, गरीब, अमीर, चींटी, हाथी, घोड़ा, घोड़ी, बकरी, पक्षी सबके लिए कमाता है। आज स्थिति ये है कि 15 रुपये किलो हमारा गेहूँ बिक रहा है, 1975 रुपये MSP है, बाबा रामदेव जी का आटा 42, शक्ति भोग का आटा 38, हमारा गेहूँ 15, आज गेहूँ का धान का समर्थन मूल्य 1868, मंडी में 1100, मक्का 2000, मंडी में 800, बाजरा 1950, मंडी में 1000, तो ये लूट हो रही है। हम सरकार कह रहे हैं, सरकार को इतनी जल्दी थी भाई, सरकार ज़्यादा ही उतावली थी तो सरकार एक कानून और लाती साथ में, उसके साथ ये लाती सरकारी रेट से जो कम खरीद होगी, उसको अपराध घोषित किया जाएगा, उस आदमी को दंडनीय किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा। भाई आज बताओ समर्थन रेट का मतलब क्या रह गया है? आप लोग बताइए समर्थन रेट मिल रहा है कहीं? आप बताओ। अच्छा, जो मंडी स्थित सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये छूट दे दी, कोई आदमी कहीं खरीदे, कोई आदमी कहीं बेचे, कितना ही जमाखोरी करे, अरे भाई हम मजदूरों को 15 रुपये किलो बेच रहे हैं, तुम सरकार ऐसा क्यों कर रही हो कि उन्हें 150 रुपये किलो आटा मिले? क्यों तुमने छूट दे दी आवश्यक वस्तु अधिनियम को? कभी कोई कहीं खरीदो, कितना ही भंडारण कर लो, ये सान पूछ के हमारी खेती पे कब्जा करने की, हमारे बच्चों को मजदूर बनाने की साजिश है। ऐसा भारतीय किसानों ने किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में हमने 9 तारीख पर कलेक्ट्रेटों पर प्रदर्शन किया था और सरकार को बताया, फिर भी नहीं मानी। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय किसान यूनियन की ओर से रोड बंद है। इसी उपलक्ष्य में हमारे चंदौसी में और गुन्नौर में और सिंहपुर सानी में 3 जगह हमारे रोड बंद है। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार उस काले कानून अध्यादेश को वापस ले, वरना परिणाम गलत हो। ये केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं, ये संसद में इन्होंने पास भी करा लिए। इनका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय किसान और इसके अन्य पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर इसका पूरा विरोध हो रहा है। पहला चरण इसका 21 तारीख था,
उसमें हमने जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया। आज पूरे देश के अंदर ये रोड जाम का कार्यक्रम है, हर जनपद में पूरी तरह हाईवे जाम है और ये जब तक ये वापस नहीं होंगे ये आंदोलन चरणबद्ध तरीका से चलता रहेगा। इससे किसानों की कमर टूट गई है अध्यादेश से, इसको लेकर पूरा विरोध है किसानों में और हम लोग काफ़ी तादाद में आए हैं और आगे को जो भी हमारा राष्ट्रीय स्तर का और अगला कार्यक्रम होगा और बढ़ चढ़ के इसका विरोध किया जाएगा। इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर भी, किसी कीमत पर इस अध्यादेश को वापस किया जाए।